गौरवी जी और मैं शादी करने के लिए तैयार हैं। अगर उसने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर लिया होगा। अगर सोचना समझना आता तो ये प्रॉब्लम ना होने देते ना। आज के बाद मैं उनके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। सर, उन्होंने कैबिन लेने से मना कर दिया है और वो कह रही है उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। सही फैसला लेने का एहसास हो रहा है। अपने फैसले के सही होने की फीलिंग आ रही है। गौरवी जी, स्पेशल चेयर। ये स्पेशल। आप दोनों को डांस रिहर्सल करनी पड़ेगी। हम? Of course, आप लोग, I mean, आप भी पेरिंग पे एक ट्रैक पे परफॉर्म करने वाले हो ना? नहीं नहीं, अब अनिकेत तुम लोग करो ना, हम लोग देखेंगे, है ना? No, it's trending nowadays, ब्राइड और ग्रूम का एक साथ परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। प्लीज कम ऑन, बी अ सपोर्ट। श्रिया, अनी प्लीज तुम लोग करो ना यार। कम ऑन यार ताई, आपको कथक आता है? सर आप शुरू करो यार। कम ऑन प्लीज मोटा भाई, प्लीज 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 प्लीज। करेगी योगा मोटा भाई, स्ट्रेचिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इनको डांस सिखाने के चक्कर में कहीं हमारा कोरियोग्राफर डांस ना भूल जाए। करवा लेंगे, बेट बेट। हाँ, फिर जो मैं मांगू वो। तुम्हें लगता है तुम जीतोगी? Of course, just wait and watch. अच्छा नहीं? एक बार आप ट्राई कीजिए। एक मिनट, मेरा फोन आया। हाँ। ए, रुको 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 रुको। नो। अरे फोन है फोन। नहीं रुकने वाला है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो मोटा भाई यार, प्लीज। अब श्रेया अनिकेत तुम लोगों की ना रिंग्स रेडी हो गई, मैं वो लेके आती हूँ। हाँ, रिंग्स में फोकस कर लूंगा और डांस में फोकस करो प्लीज। जाइए वहां जाइए। ये आप लोग ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट में क्यों खड़े हैं? थोड़ा पास आके डांस करिए ना। अरे और पास आइए सर, थोड़ा और पास, अभी भी नफ नहीं है, और पास आइए। नहीं बस, हम लोग यहाँ से कर लेंगे, है ना? सर, हैंड्स ऑन योर लेडीज वेस्ट। मैं वही कह रहा हूँ कि मुझसे डांस करवाना वेस्ट है, मतलब वेस्ट मतलब कमर पकड़ के। अरे आशु करे जे, ऐसे थोड़ी ना सबके सामने यार, ऐसे नहीं होता है ना। ये तो आपकी वाइफ है ना सर? हाँ मतलब अभी हुई नहीं है, अभी शादी होने वाली है ना, और हो भी गई होती तो थोड़ी ना सबके सामने ऐसे लेडीज के वेस्ट पे हाथ रख सकते हैं। मैं तो कहाँ जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूँ? हाँ, मुझ नो, मेरा फोन। नो मोटा भाई नो, आइए प्लीज। अरे गाइस यार, जय श्री कृष्ण। बैठ, तो हार गई आप। श्री नेवर लूजेस, जस्ट वेट एंड वॉच। वाइल्ड कैट, यू ऑलवेज लीव अ मार्क। नॉट माय फॉल्ट, यू नो व्हाट, just too young. What are you doing? Come in. Oh, haan, wo shaadi mein to main 100% aa jaunga yaar, don't worry. Sorry, I maine phone nahi kiya. I'll be there. Okay, bye. Roke pe kyun nahi aaya? Ab tak naraaz hai? Waise puchne ki zarurat to nahi hai, but bhai ki shaadi pe to aayega na? A very dear friend is getting married. अगर मैं नहीं गया तो he will feel bad. आप लोग चाहिए ना, वैसे भी मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई ये तेरा कुछ कह दिया तो दिल पे लगा लेगा। हाँ ये जरूरी तो नहीं है ना माँ कि आप हर वक्त मोटा भाई की लॉयर की तरह मेरे साथ बात करें। Even I should feel like I am your son. Anyways, just close the door on the way out. AC ठीक है ना? मतलब ठंड तो नहीं लग रही है? नहीं, it's okay. वैसे खुली हवा का मजा ही कुछ और है, खिड़की नीचे कर ले। हाँ चलेगा। गाना लगा दूँ? आपको नया गाना सुनना हो तो रेडियो भी लगा सकते हैं। नहीं एक्चुअली पुराना चलेगा, पुराने गानों की अपनी अलग बात है। नहीं हाँ मतलब कान को सुनने में अच्छे लगते हैं, है ना? मतलब आजकल के गाने तो ऐसे लगते हैं जैसे बजाने वाला एक तो दिखा के आया हो। हम्म
वो गाने के साथ कभी कभी आदत सी है। अच्छी आदत है, मतलब ट्रैफिक में तो टाइम पास हो जाता होगा। वैसे आपने सीखा है कहीं से? बाथरूम घराने से। बुरा जोक था। एक्चुअली फनी था। आपको मतलब कथक पूरा आता है? मतलब थोड़ा बहुत आता है, वो बचपन में सीखा था मैंने 2 साल। 2 साल? मेरे तो 2 दिन में पैर हिलने लग जाए। अरे क्या हुआ? नहीं मतलब आपको नाचने का शौक है, अपनी शादी में नाचने का मन करा होगा और मेरी वजह से। अरे नहीं नहीं, इनफैक्ट बचा लिया आपने मुझे। कैसे? वो क्या है ना कि ज्यादा लोगों के बीच में परफॉर्म करने में मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, तो इसीलिए। सच्ची? जी। अच्छा अभी थोड़ा एसी ऑन कर सकते हैं? हाँ हाँ। गर्मी लग रही है। हाँ। मतलब 19 की जगह 24। हाँ। थोड़ा गर्मी हो रही है ना, आपको चलेगा ना? हाँ चलेगा। तुम्हें तोड़ दूंगी, नोच लूंगी पूरा। I don't mind actually. यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सोच लो। जी, सच्चा? डेस्पो? डेस्पो? ठीक है फिर, सिर्फ डांस करते हैं। Go, head on. What? तुम्हारी वेडिंग एक्सोटिक डेस्टिनेशन पे होनी चाहिए थी ना। What is this मुंबई का टाइप वेडिंग यार? You know what? I wanted Italy, but mom wanted something simple. I mean, हम लोग गुजराती है, वो लोग महाराष्ट्रियन, so something neutral. Yeah, okay. But make sure कि अनिकेत के जो लोकल ट्रेन वाले रिलेटिव्स हो ना, उनका सेपरेट कॉर्नर हो, you know, far from any. Yes, please. Chill girls, यार. वैसे भी शादी के बाद I'm gonna come back. You sure? अनिकेत अपनी फैम को छोड़ के तेरे लिए आएगा? Of course आएगा। Anyways, अभी अनी मेरा वेट कर रहा है, so I'll see you guys. Bye. So now hear all the good things about Gauri. So guys, what's up? This was just a trailer. संगीत में मैं कटीना से भी अच्छा डांस करके दिखाऊंगी। वो क्या है ना, बचपन से मैं और ताई 90s के एल्बम पे डांस किया करते थे। मेरी चुनर उड़ उड़ जाए, मेड इन इंडिया एंड ऑल। So guys, keep watching and let's dance. ताई, डेली सोप की हीरोइन जैसी है।
मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुसीबत हो, ताई हाजिर। मेरी तो बेस्ट फ्रेंड है। आमची मुलगी, आमची पोरगी गौरवी लहान बचपन से ही एकदम बड़ी, मतलब कि वो जिम्मेदार किस्म का बोलते हैं ना वो। कभी कभी ताई आई भी बन जाती है, और जब आई बन जाती है तो फट जाती है। गौरव की याद है, जब से वो छोटी सी बच्ची थी उसको नहलाने की, खिलाने की, पिलाने की याद है, कब से उसी को समेटने की कोशिश कर रही हूँ। पता है अब ताई जा रही है तो एक्चुअल में बहुत फट रही है यार। ए शिट फट रही, ये फटरी वाला पार्ट काट देना, ये शिट वाला पार्ट भी काट देना, पीछे का रखना सारा। गौरवी, अरे गौरवी मेरी ननद नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, यू नो हर चीज मुझसे पूछ के ही करती है, भाई नहीं ये कैसा है, भाई नहीं वो कैसा है। अब शादी करके इस घर से जाएगी तो बड़ी याद आएगी मुझे उसकी, घर एकदम खाली खाली लगेगा उसके बिना। रियली वैनी, असली इस घर में मेरी सबसे लाडली। तो कहाँ थी मैं? श्रेया लाडली छे, बचपन से सबसे शरारती, जहाँ जाए रंग जमाए। और अनुज, उसके पापा के जाने के बाद अपना बचपन बाजू में रख के घर की पूरी जिम्मेदारियाँ उठा ली है। भगवान ऐसी औलाद हर किसी को दे। गौरवी, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो यूँ समझो कि मेहता डायमंड्स का असली हीरा तुम्हें मिल रहा है, बहुत संभाल के रखना उसे। ताई आपको कैसा लग रहा है? आई मीन शादी होने वाली है, फर्स्ट नाइट हनीमून, क्या डिसाइड किया है आपने? जाना यहाँ से। क्या पहनोगे? रेड हॉट गाउन या फिर ब्लैक, ब्लैक वाला वो जो हॉट हमने देखा था। इसको सेल्फी से वीडियो मोड में डालेगी तब सही रिकॉर्ड होगा, है ना? पागल। मेरी छोड़, ये बता बहन की शादी दोस्त की शादी से कम जरूरी है? शिया के लिए आ जा, नाराज हो तू मुझसे, है ना? मैं अचानक से इतना मैटर क्यों कर रहा हूँ? आप लोग जाइए, इंजॉय द वेडिंग, पॉसिबल होगा तो मैं आ जाऊँगा। और सब एक एक करके यहाँ नहीं आए मुझे फोर्स करने के लिए, प्लीज, आई एम नॉट अ चाइल्ड। अनुज जी को ज्यादा फोर्स मत कर, मुझे डांस वांस नहीं होता है, और डांस तो छोड़, हम दोनों तो एक दूसरे के आसपास खड़े तक नहीं हो पाते, तू प्लीज उन्हें ज्यादा पुश मत कर। केमिस्ट्री लाओ ना ताई, सब हो जाएगा। हाँ, मेरी अलमारी में पड़ी है ना केमिस्ट्री, ऐसे थोड़ी आती है केमिस्ट्री। पड़ी है ना अलमारी में, मैं लेके आऊं? शट अप। नहीं, वो वहां से निकल चुका है तो आपके यहाँ पहुंच ही रहा होगा। एक मिनट, चलो चलो मैं आ रहा हूँ, मैं ये फोन कॉल खत्म करके आ रहा हूँ। नो 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 नो, ओके फाइन, हरिया हरिया। हेलो, हाँ हाँ, तो ठीक है, बस सुनो, वो उस तरफ जाना भी वहाँ पे। अनुज, गौरवी का परिवार नहीं आया अब तक, कुछ बात हुई? नहीं नहीं, वो रास्ते में ही है तो। अच्छा ठीक है। उस टाइम के बाद हम दोनों को कभी बात करने का मौका नहीं मिला। हाँ, वो आई नो इट्स अ लिटिल ऑकवर्ड मोमेंट हम दोनों का पास्ट, बट यू गाइस वर डेटिंग? नहीं नहीं, आई रियली होप दैट शी इज मैरिंग यू बिकॉज़ शी इज इन लव विथ यू, नॉट बिकॉज़ ऑफ योर मनी। नहीं नो, ऋषि कह रहा था मुझे कि दैट शी इज फ्रॉम, ऋषि को लोगों की पहचान नहीं है तो। Of course, I mean Rishi, he is so young and you, I am genuinely happy for you. I mean I'm seriously happy for you. Finally you moved on. वरना मैं पूरी जिंदगी गिल से मर जाती है कि तुम मेरी वजह से शादी नहीं कर रहे थे, फिर कहीं अटक के रह जाते, you know. But I'm genuinely happy for you.
कॉल है। You must be गौरवी जी। गौरवी, हाय गौरवी, I'm Falguni। मैं अनुज की बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ। अनुज, I'm really happy for you. Finally, you're getting married. So, you guys carry on. I'll see you around. हो, अब समझा। तो यहाँ है प्रॉब्लम, ना तो वुमन, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और ये बात आपके सामने उस दिन खुली, करेक्ट? शायद आप ट्विस्ट ढूंढ रहे थे तब, तो मिल गया आपको ट्विस्ट। गौरवी जी, आप एकदम कमाल हैं। हाँ, जैसे मुझे लगा कि मैंने अपना केस क्रैक कर लिया है, आपकी हंसी ने मुझे वापस से कंफ्यूज कर दिया। ओके, तो एक काम करते हैं कि मैं अपना कोई भी तुक्का लगा के अपना चू। पार्ड माय वर्ड्स, आई मेंट टू से अपना बेवकूफ नहीं कटवाऊंगा। अच्छा, एक काम कीजिए, आप मुझे बताइए कि इस लड़की ने आपके लाइफ में फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की? कोशिश तो बहुत की, और फिर आपको पता चला कि फाल्गुनी का आपके हस्बैंड के साथ अफेयर, और उसके बाद आप एक्चुअली नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर वो ऐसे, अगर अनुज ऐसे करते तो आप उनके लिए जेल तो नहीं जाती है ना? आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। सो सिली ऑफ मी, फिर से मैं अपनी कहानी बनाने लग गया। आई प्रॉमिस मैं इसके बाद अपना कोई भी तुक्का नहीं लगाऊंगा। ओवर टू यू, आप बताइए। ये ना एक स्वीट सी लव स्टोरी है, इसमें आपके वाले ट्विस्ट नहीं है। सुनेंगे आप? यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि आजकल के जमाने में बिना ट्विस्ट के लव स्टोरी। स्ट्रेंज, क्वाइट वेरी स्ट्रेंज। खैर, इंटरेस्टिंग है, आप सुनाइए। डर तो बहुत लगा था मुझे, उलझन भी हुई थी कि पता नहीं क्या सही है क्या गलत। मैंने शादी के लिए हाँ तो बोल दी थी, लेकिन एक मोमेंट के लिए रियलाइज हुआ कि इस इंसान का भी एक पास्ट है। सी, होल्ड योर थॉट, करेक्ट। पास्ट मतलब अफेयर, मतलब उस आदमी का अफेयर था, मतलब अनुज का अफेयर था। आप क्यों उस आदमी के लिए ब्लेम ले रही हैं? Forget it, just forget it। आपने शायद कहा था कि पूरी रात है आपके पास कहानी सुनने के लिए। जी कहा था। नहीं, क्योंकि मैं कुछ ही मिनटों में डायरेक्ट एंडिंग नहीं दे पाऊंगी आपको। आप फैसला नहीं बदलेंगे, मैं जानता हूँ। बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। आई थिंक आई एम डन हियर, आई शुड लीव। लेट्स मूव। चलिए चलिए, सब बैठ जाइए, वी आर गोना स्टार्ट द इवनिंग। नमस्ते, केम छो? सगड़े बड़े आहे ना। सो आज करमरकर और मेहता फैमिली आप सबको थैंक यू करते हैं यहाँ आने के लिए। सो ऑन दैट हैप्पी नोट, लेट्स स्टार्ट दिस नाइट विद अ तोड़ू परफॉर्मेंस। होने लगा झंझट भाई तेरा हुल सेट, मोशन भी देखो मेरा बनने लगा। देखो तो हसीना को वाना भी करीना को ढुमको का फीवर है चढ़ने लगा। थोड़ा हार्ड सा होके थोड़ा जेंटल सा होके थोड़ा सेंटी सा होके थोड़ा मेंटल सा होके सारे 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 चूड़िया बोले कंगना, हम हो गया तेरा साजना, तेरे
देर बिन जियो नहीं यूं लगता मैं मर जावा। हाँ वो गौरव जी आराम से बैठ के कहने का मौका नहीं मिला, वरना मैं बता देता। किस बारे में? फाल्गुनी के बारे में, मतलब शादी की बात हुई थी पर बात आगे नहीं बढ़ी थी। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाह रहा था, पर वो मैं भी कैसी बात किस सहन पे कर रहा हूँ। अब अगली जो परफॉर्मेंस आने वाली है उनकी मुलाकात पहले किकबॉक्सिंग क्लास में हुई, तो थोड़ा पंचिंग करते करते इनका प्यार हो गया। तो अब आ रहे हैं द मोस्ट सेंसुअल, द मोस्ट सिजलिंग, द हॉटेस्ट कपल एवर। गेस कीजिए। सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव, इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव Now, for the best performance of the night, let me present to you the most gorgeous bride and the most handsome groom. हाँ, चलो 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 भाभी जी, अनुज चलो, चलो, चलो। होगा होगा अनुज होगा। Ready? नहीं। नाटक मत कर, तेरी शादी है। You have to be prepared. Favorite song? Old or new? New? Which one? Dil diya galla. अरे कुछ नहीं, मैं कैसे नाचूंगा ये? क्या क्या कैसे? ऐसे ऐसे सलमान खान की तरह नाच ले? वो गाना अलग था, जीनिया। तो आप अपना कोई फेवरेट सॉन्ग बता दीजिए। Fair enough. बोल। इनको जो चाहिए बजा दो अब। गौरवी जी आपको गरबा आता है? अब थोड़ा बहुत जो नवरात्रि में किया है वो। हाँ तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। आजा जा टम टमाता शमणा हो जे लवी ओ लवी।
आज तक लोगों को संगीत में पंजाबी गानों पर नाचते देखा है। आज गरबा देख के बहुत मजा आया। मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई जियो सज सजी लो शुभ घड़ी छे अभी आजा जा टम टम ता शमणा हो जे लावी ओ लावी बहुत अच्छा नाचे आप। थैंक यू। आप भी बहुत अच्छा नाचे। आपको देख के लगता नहीं है कि आप इतना अच्छा गरबा कर सकते हैं। मैंने तो 15 साल की उम्र से थोड़ा बहुत डांसिंग शुरू कर दिया था, तो जो भी आता था। अब मैं 15 साल की उम्र में ही कल्ले पे बैठ गया था, इसलिए बहुत कुछ सीखने का मौका नहीं मिला। आपने उस उम्र में खुद का बिजनेस खड़ा किया, इतना कुछ अजीब किया, आज कितने सारे लोगों का घर चल रहा है आपकी वजह से। तो अचीवमेंट तो अचीवमेंट होता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। गरबा, आर यू फकिंग सीरियस? ओह माय गॉड, व्हाट द फक मैन। इतनी एंबैरेसमेंट सिर्फ मोटा भाई कर सकते हैं। Really? और वो अपने जैसे लोग और ऐड कर रहे हैं हमारी फैमिली में। सब कुछ मेरे वजह से है। क्लाइंट से बात करना, मेकिंग डील्स हैपन। ये लेबर का काम कोई भी कर सकता है। He can't even fucking talk to anyone. He doesn't have the balls. He's just fucking useless, yeah. और अब वो एक लेबर से शादी कर रहे हैं। लेबर, can you fucking imagine? करो शादी, मेरा सामना करना पड़ेगा ना। Good. She's gonna fucking regret marrying him. Trust me. Cheers to that. वैसे आपकी उस फ्रेंड का नाम क्या है? फ्रेंड? फाल्गुनी।